module 140 in production analysis we are going to study the production cost why we study the production cost because previously we have studied that the producer is producing with the utilization of the various factors of production efficiently if the total output that he is having it exhausts the available inputs and that was related to the technical efficiency बट आइदर इट इज़ हैविंग एनी इनसाइट दैट द प्रोड्यूसर इज़ गेटिंग सर्टन फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट और इट इज़ फिजिबल फॉर द प्रोड्यूसर टू बी हैविंग अ कैपेसिटी टू रिटेन हिज बिजनेस तो जब हमने उस पॉइंट को असैस करना है जब हम देखें कि प्रोड्यूसर आइदर नफ़े में जा रहा है नुकसान में जा रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन है कि ना उसको नफ़ा हासिल हो रहा है या नुकसान है और अपने फ्यूचर के बारे में उसको डिसीजन करना है तो जो इनपुट्स एक प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत मुश्किल है या रेयर है कि वो मार्केट में स्टेबल रहें या सेम रहें एंड आजकल की के इन्फ्लेशन को देखते हुए अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइसेस ऑफ इनपुट्स दे आर फ्लक्चुएटिंग डेली तो वेन एवर द प्राइस ऑफ द इनपुट्स दे विल बी फ्लक्चुएटिंग देन द रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कॉस्ट इट विल बी चेंजिंग एंड विदाउट कॉन्सिडरिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट वी कैन नाट असेस द प्रॉफिट ऑफ आ एंटरप्र्यो सो जब हमने अब उसकी इकोनॉमिक एफिशेंसी को देखना है तो हमें प्रोडक्शन कॉस्ट को इन टोटल भी देखना है और हमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी देखना है इन शॉर्ट हम कहते हैं कि दी टोटल कॉस्ट इज बेसिकली इट इज़ जस्ट द समीशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गिविंग द कंट्रीब्यूटिंग शेयर विद दियर प्राइस मेन अगर वो पांच इनपुट से इस्तेमाल कर रहा है तो हर इनपुट की जितनी अमाउंट इस्तेमाल हो रही है मल्टीप्लाई बाय इट्स मार्केट प्राइस एंड व्हेन वी विल एड अप दिस ऑल इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑन एवरी इनपुट दैट विल गिव राइज टू द टोटल कॉस्ट लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है अगर हम देखें तो हमारे इनपुट्स की नेचर डिफरेंट है हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत से इनपुट्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर फिक्स्ड इनपुट्स और उसी तरीके से हम कहते हैं कि देर आर सर्टन इनपुट्स जिनको हम कहते हैं कि दे आर वेरिएबल इनपुट्स तो जब फिक्स्ड इनपुट और या वेरिएबल इनपुट की हम बात करेंगे तो दे कैन बी रिलेटेड टू देयर टर्म ऑफ द डिसीजन यहाँ उससे मुराद कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म की भी हम टाइम स्पेस की भी ले सकते हैं बट इन शॉर्ट इफ़ वी विल से दैट वैन द प्रोड्यूसर इज़ हैविंग द पावर ऑफ डिसीजन रिलेटिड टू द यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट जो अभी भी उसके हाथ में हो तो वी कैन से वो एक वेरिएबल है एंड वेन दैट पावर इज़ नॉट इन हीज़ हैंड क्योंकि वो डिसीजन ले चुका है तो उसके बाद वो उसके लिए उसका फिक्सड एसेट हो जाता है तो दिस द नेरो डिफ्रेंस जो है वो फिक्स्ड और शॉर्ट के दरमियान हमें तमीज़ करने में मदद देता है लेकिन जनरली अगर हम देखें तो वो वाले एसेट्स जिनके ऊपर वंस इन्वेस्टमेंट हो चुकी जिस तरह एक फार्मर ने अगर अपनी ज़मीन के खेत को ले लिया तो ये अब उसकी एक फ़िक्स्ड एसेट है फिक्स्ड कॉस्ट है और अगर दूसरे फॉर्म में हम इसको संक कॉस्ट भी कहते हैं उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट में अगर उसने एक जीनिंग फैक्ट्री लगा ली है या उसने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर ली है स्पिनिंग का यूनिट लगा लिया है तो अब उसको वो बहुत जल्द जल्द ना उसकी मशीनरी ना उसके प्लांट साइज़ को चेंज नहीं कर सकता तो ये उसका एक फ़िक्स्ड एसेट है लेकिन उसी तरीके से अगर दूसरी कई एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको वंस अगर इनकर कर लिया जाए तो वो भी फिक्स्ड की फॉर्म में आ जाते हैं लेकिन मोस्टली वो तमाम इनपोट्स जिनको हम इन शॉर्ट ड्यूरेशन चेंज करते हैं जिसमें ज़्यादातर लेबर भी हो सकती है लेकिन अगर अब हम यहाँ पे कहें तो कई दफ़ा एंट्रप्रनोर जो है वो लेबर को साल के लिए हायर कर लेता है या लॉन्ग टर्म में हायर कर लेता है तो जो परमानेंट लेबर होती है वो भी अगर हम देखें तो समाइम्स उसको हम फिक्स्ड की फॉर्म में ले लेते हैं बट जनरली द इनपुट्स दैट वी आर गोइंग टू परचेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वी आर गोइंग टू परचेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स द फर्टिलाइज़र और अगर वो कोई हम स्पिनिंग यूनिट की हमने बात की थी कि वो जो धागा वो ख़रीद रहा है या वो मशीनरी के लिए आयल ख़रीद रहा है या लेबर कॉस्ट पेमेंट जा रही है तो ये तमाम के तमाम उसकी वेरिएबल कॉस्ट होंगी नाउ कमिंग टू दैट हम अगर अब देखें तो हम एक टेबल की शक्ल में अगर इसको एक्सप्लेन करें तो वी कैन से नाउ इन दिस एग्जाम्पल इफ द प्रोड्यूसर इज़ हैविंग दिस फिक्सड कॉस्ट जिसको हमने कहा कि ये फिफ्टी डॉलर है अब अगर हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट में और आपके साथ बताना चाहूँगी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक फ़िक्स्ड एसेट है जैसे एक ज़िमीदार ने काश्तकार ने ट्रैक्टर ख़रीद लिया है उसी तरीके से अगर हम कहें कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक मशीनरी या प्लांट इंस्टॉल कर लिया है तो कीपिंग इन व्यू द डिस्काउंटेड वैल्यूज़ हम अगर देखें तो वो हमें अब बताती हैं कि हर उस मशीनरी की या बिल्डिंग की एक लाइफ है तो उस लाइफ को देखते हुए अगर वो दस साल या बीस साल है तो उस तो टोटल एसेट की प्राइस को हम उतनी दस या बीस साल जो उसकी लाइफ है उसमें डिवाइड कर सकते हैं एंड उसमें हम उसके देन फर्दर डिस्काउंट रेट के हिसाब से कुछ चीज़ों का इंक्रीमेंटल रेट भी लगा सकते हैं कि हर साल उसकी कितनी प्राइस जो है डी वैल्यू हो रही है और इन्फ्लेशन को कवर करते हुए उसका क्या एस्टिमेट हुआ है तो इसीलिए ये मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है अगर हम एक साल लगा के अगर हम देखें कि उसने एक करोड़ की मशीनरी ली है तो लेकिन चूंकि जब उसने अपने अकाउंट्स को डील करना है तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर वो एक करोड़ की अमाउंट उसी साल में नहीं डालेगा बल्कि वो उसका वो प्रीमियम या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वो शेयर लेगा जिसको अगर कहे कि उसने वो एक करोड़ की जो बिल्डिंग अगर ली है तो उसकी लाइफ अगर बीस साल है तो वो उसको उसको ट्वेंटी ईयर्स के अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड देन फर्दर इंक्लूड करेगा उसके डिस्काउंटिंग रेट्स के साथ अब यहाँ जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डेफिनेटली अटैच है उन इनपुट्स के साथ जिसको वो प्रोडक्शन फंक्शन में साथ साथ कंप्लीट करने के लिए परचेज कर रहा है अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जिस टाइम आउटपुट के यूनिट तीन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसमें उसने फिफ्टी यूनिट्स फिक्स्ड कॉस्ट के ऐड किए और थर्टी यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट के ऐड किए और इन दोनों को ऐड करते हुए उसने जितना इनपुट परचेज किया उसने उसको आउटपुट के तीन यूनिट दिए एंड इन दिस वे देयर वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ एटी एट अब अगर दोबारा देखें हम तो थ्री से फोर के आउटपुट यूनिट तक जाते जाते उसने अगेन जो देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये थ्रू आउट अब जो है उसके लिए उसकी सेम रही लेकिन अब यहाँ पे उसको फर्दर एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कुछ इंक्रीमेंटल पार्ट ऑफ इनपुट से इस्तेमाल करना पड़ा और अगर अब हम यहाँ से देखें तो अठतीस के मुकाबले में अब उसने पचास यूनिट इस्तेमाल किए और टोटल कॉस्ट अब उसकी फिफ्टी प्लस फिफ्टी दैट इज़ इक्वल टू हंड्रेड लेकिन फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए अगर हम देखें तो उसके यहाँ थर्टी एट और फिफ्टी के डिफरेंस को तो एडिशनली बारह रुपये या बारह डॉलर की अमाउंट उसकी लगी तो जिसको अगर हम कहें तो फॉर वन यूनिट ऑफ आउटपुट द एडिशनल कॉस्ट जो एडिड हुई वो उसकी बारह डॉलर हुई तो इसी फॉर्म में अगर हम देखें तो ये तीन यूनिट ऑफ आउटपुट से ऑनवर्ड थर्टी टू यूनिट्स ऑफ आउटपुट का हमारे पास टेबल है जिसमें हमारे पास ये रिस्पेक्टिव तमाम के तमाम वेरिएबल कॉस्ट ऐड होती हैं और हम फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल की बेस पे ये टोटल कॉस्ट का कॉलम डेवलप करते हैं और हर एक एडिशनल यूनिट के लिए अगर नौ के मुकाबले में वो दस पे जा रहा है बाईस के तेईस पे जा रहा है तो हमने चेक किया है कि उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है एंड नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट देन वी कैन सी दैट इन दिस मार्जिनल कॉस्ट वाज ग्रेटर एंड देन फर्दर एट सर्टन पॉइंट्स इट रिड्यूसड एंड देन आफ्टर अटेनिंग अ अर्टन मिनिमम लेवल इट अगेन स्टार्टिड टू इनक्रीज तो अगर हम अब इसको देखें कि ये हाई से लो एंड देन अगेन हाई तो ये हमें शो करेगी कि जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होगा वो हाई से लो एंड अगेन हाई पे जाएगा तो हमें एक अगर हम इसको देखें तो ये यू की शक्ल का हमें नज़र आएगा अब अगर हम नेक्स्ट कॉलम सिक्स पे आते हैं तो इट गिव्स अब अगर हम एवरेज कॉस्ट को हमने देखना हो ये मैं कॉलम सिक्स और कॉलम सेवन की बजाय डायरेक्ट कॉलम एट पे अगर आए तो इट गिव्स द एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का अगर हम देखें तो दैट विल बी इक्वल टू दिस टोटल कॉस्ट मीन दिस वॉज दिस एटी एट डिवाइड बाय दिस थ्री तो ये वाला जो कॉलम है दिस एट दिस इज इक्वल टू कॉलम फोर डिवाइड बाय कॉलम वन और जहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट दिस टोटल कॉस्ट वाज हंड्रेड तो इट वाज डिवाइडेड बाय दिस फोर तो एवरेज कॉस्ट इट वाज ट्वेंटी फाइव सो मोस्टली एवरेज टोटल कॉस्ट को जब हम अपने मुख्तफ बुक्स में पढ़ रहे होंगे तो इसका नाम हमारे पास सिर्फ एवरेज कॉस्ट की शक्ल में आ रहा होगा अब जगह हम कहते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है तो जो हमारे पास ये दो कॉलम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के हैं तो व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द आउटपुट एंड व्हेन वेरिएबल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द आउटपुट इट विल बी गिविंग अस द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो अगर हम इस सारे सिनारियों में देखें तो ऑल टाइप्स ऑफ द कॉस्ट दे बेसिकली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द आउटपुट्स प्रोड्यूस लाइकवाइज जो रेवेन्यू है वो भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो प्राइस इनटू अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू आउटपुट प्रोड्यूस्ड होता है तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉफिट या इकोनॉमिक कॉस्ट और इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है अमाउंट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड थैंक यू